टू एवरी वन। तो आज मैं हंसूंगा थोड़ा। वैसे जब एक बहुत बड़ा मजाक होता है, कोई जोक करता है, तो आपको जोर से हंसना चाहिए। ऐसा ही कुछ कल अमेरिका में हुआ है, जिसे 50 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर देखा है। एक स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट था, वो रॉकेट उठा करके दो एस्ट्रोनॉट्स को नासा के ले गया और उन्हें ऑर्बिट तक ले गया ऊपर, और लोग ताली बजा रहे हैं और मैं भी ताली बजा रहा हूँ और मैं हंस रहा हूँ। तो मुझे पागल कह सकते हो। मैं मानता हूँ कि ये इतनी बड़ी मूर्खता है, इतनी बड़ी मूर्ख उपलब्धि मनुष्य ने की है कि इसके लिए मैं इलॉन मस्क की जितनी भी तारीफ करूँ कम है। इलॉन मस्क के पास कितना दिमाग है मुझे मालूम नहीं, पता नहीं, लेकिन वो है एक इंसान ही। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इंसान का दिमाग इंसान का ही दिमाग होता है, चाहे आप कुछ भी कह लें। दो आदमी ऑर्बिट में पहुँच गए, पूरे विश्व में हल्ला मच गया, कमाल हो गया। बोलो इलॉन मस्क की जय। देखिए, इसमें मनुष्य जाति की गलती नहीं है कि उनका इतना पतन हो गया है। जो मनुष्य एक जगह बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है, वो मनुष्य पता नहीं कितने करोड़ों खरबों रुपए जमा बर्बाद करके एक जहाज जैसा कुछ बना करके उसको ऊपर ले जा करके उससे दो लोगों को पहुंचा देता है। वो पहली प्राइवेट कंपनी बन जाती है जो इंसानों को ऊपर पहुंचाने वाली कंपनी है, जिसने दो लोगों को ऑर्बिट में उठा के स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रख देती है। ये मनुष्य जाति के लिए बड़ी भारी उपलब्धि हो सकती है। वैसे कोई खास बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, क्योंकि चाइना और रशिया और अमेरिका ऐसा पहले कर चुके हैं, लेकिन ये किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया पहली बार में कार्य है कि मनुष्यों को ऊपर ले गए ऐसे। बहरहाल, मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का जो सामर्थ्य है वो इतना ज़्यादा है कि ये इसके आगे कुछ नहीं है। मनुष्य एक स्थान पर बैठे बैठे ही पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है। और फिर ये तुम्हारा स्पेस स्टेशन कितनी दूर बना हुआ है? मान लो तुम्हें यहाँ से 100 गैलेक्सी दूर जाना है, तुम कैसे जाओगे? 10 करोड़ लाइट ईयर्स दूर जाना है तो तुम कैसे जाओगे? क्या मनुष्य बस सारी ऊर्जा और अपनी ताकत इसी में बर्बाद करता रहेगा कि मैं कैसे पहुँचूँ? क्यों नहीं मनुष्य के पास ये समझदारी भरा थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि हम अपने अंदर को देखें, या हम ऐसे रास्ते खोजें जो जिनमें जाने वाले रास्ते हैं? अगर मान लीजिए ये मैं ये कहता हूँ कि चलिए ऐसे कर लेते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ठीक है, तो बाइबल में भी, बाइबल तो पढ़ी है इन्होंने, इलॉन मस्क जी ने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, क्रिश्चियन ही है मेरे ख्याल से, और इनको ये तो मालूम ही होगा कि जीसस कुछ दरवाज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ रस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये विचार क्यों नहीं करते कि ये अरबों खरबों की टर्बों का ये गड़बड़ झाला इकट्ठा करने से और खरबों रुपये इसमें बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो ये गरीब देशों को बांट दें ये ऐसी कंपनी चलाने से अच्छा। मैं इनके दूसरे प्रोजेक्ट को सही मानता हूँ, वो जो प्रदूषण कम करने वाली गाड़ी ये चलाते हैं टेस्ला वाली, वो ठीक उनका प्रोजेक्ट है क्योंकि वो कुछ व्यवहारिक लगता है। लेकिन ये आदमी को ऊपर ले जाने वाले प्रोजेक्ट मुझे कभी समझ में नहीं आया, चाहे वो भारत की हो चाहे वो विश्व के किसी देश की हो। सैटेलाइट्स के अलावा आदमी को ऊपर ले जाने का तरीका ये सब बेकार है, इसमें बेकार है। तुम आज मेरी बात पर हंसोगे, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, या ऐसे 15 साल बाद भी तुम अगर इस वीडियो को देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, ये आदमी, ये गगन पांडे उस समय सही कह रहा था। समझ रहे हो? क्योंकि मुझे अनुभव है कि मनुष्य इस मामले में गलत है कि वो अपने यानों से कहीं पहुंच जाएगा। नहीं, वो तो माइंड की स्पीड आप जानते ही हो कितनी है। मैं यहाँ पर हूँ, मैं अभी अभी अमेरिका पहुंच गया, और मैं अभी अभी मैं यूनिवर्स के अंतिम छोर पे पहुंच गया, ये मेरा माइंड है। हमें माइंड की गति से ट्रैवल करने वाले यान हमारे शरीर के अंदर ही मिल जाएंगे, इसमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग या इसके दरवाजे बाहर दिखाई देते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, इसलिए मैं स्पेस एक्स के जाने से कोई खुश नहीं हुआ हूँ। मुझे लगता है ये मनुष्य की मूर्खता का एक और उदाहरण है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ये कोई उपलब्धि नहीं है। आज से 15 साल बाद, 10 साल बाद, हो सकता है 5 साल बाद ही तुम ऐसा देखो कि ये एक महान मूर्खता मनुष्य ने और की थी, जैसे वो आगे पहले करते आया है स्पेस के क्षेत्र में। बस मैं ये हमेशा कहता हूँ कि सैटेलाइट ही ठीक है भेजना, बाकी मनुष्य को ऊपर भेजने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।